Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या कोई नई बात नहीं है। यूं कह लीजिए कि सरकारों की वजह से अब तो दिल्ली वालों को पॉल्यूशन में रहने की आदत सी हो गई है। यही वजह है कि दिल्ली वालों की इस आदत के चलते पॉल्यूशन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लोगों में बढ़ती जा रही हैं। हालांकि दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या से निजात के लिए केजरीवाल सरकार कई योजनाएं लेकर जरूर आई, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर केजरीवाल सरकार गर्मियों में होने वाले दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए 14 पॉइंट वाला एक्शन प्लान लेकर आई है। इस एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन बेल्ट बढ़ाने पर जोर डाला जा रहा है। बता दें कि इस एक्शन प्लान को दो ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें ग्रुप वन में 12 पॉइंट पर काम होगा तो वहीं ग्रुप टू में 2 बिंदुओं पर काम होगा। आपको बता दें कि पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए 11 अप्रैल को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी विभागों की बैठक बुलाई, जिसमें सर्दियों में पॉल्यूशन को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए समर एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई है, जिसे लेकर गोपाल राय ने बताया कि एंटी ओपन बर्निंग अभियान 12 अप्रैल से शुरू होकर 12 मई तक चलाया जाएगा। साथ ही सड़क किनारे जमा होने वाली धूल की समस्याओं को दूर करने के लिए 15 अप्रैल से 15 मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के अलग अलग विभागों एजेंसियों के साथ विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर समर एक्शन प्लान बनाने के लिए आज संयुक्त बैठक हमने बुलाई थी, जिसमें 14 पॉइंट एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 2 तात्कालिक अभियान शामिल किए गए हैं और 12 पॉइंट ऐसे हैं जो दीर्घकालिक हैं, जिनका दिल्ली के पर्यावरण के सुधार में, प्रदूषण के नियंत्रण में अहम रोल होगा। उसमें जो आज बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में पर्यावरण विभाग, बीपीसीसी, तीनों एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी, राजस्व विभाग, दिल्ली फायर सर्विस, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट, जल बोर्ड, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये तमाम विभागों के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि समर में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन जो है वो कल से यानी 12 अप्रैल से 12 मई तक एक महीने का ये सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। आईआईटी दिल्ली, पर्यावरण विभाग, टेरी, डीटीयू, सीएससी, ऐसे जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक ज्वाइंट मीटिंग 21 अप्रैल को हम बुला रहे हैं, जिससे कि इसका कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन निकालने की तरफ हम लोग बढ़ सकें। खैर, देखना यह होगा कि यह 14 पॉइंट वाला एक्शन प्लान दिल्ली वालों को प्रदूषण की समस्या से छुटकारा दिला पाएगा या फिर यह एक्शन प्लान भी पहले के वादों की तरह खोखला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।